हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। तो जितने भी लोग यहां पर आ चुके हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज 7 मिनट की ट्रिक्स की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी ट्रिक जो काफी सारे एग्जाम्स को कवर करती है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स में। सबको ये तो पता होगा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसका वो समझा देता हूँ, आधार समझा देता हूँ, उसका बेस समझा देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, अगर इसको तोड़ दें हम तो ट्रायंगल, ठीक है, प्लस मेट्री, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री, कि एक ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी, एक ऐसे ट्रायंगल हम ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल, वो ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, उसके बारे में हमको यहाँ पे बहुत सारी ये पता करनी होगी कि भैया एंगल इतना है तो कैसे लगेगा, क्या लगेगा। तो बहुत सारे सवाल बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, इसका बेसिक्स तो बहुत लंबा है, बट उस बेसिक के अंदर भी मैं आपको एक चीज ऐसी समझाने वाला हूं जो शायद आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे तो वहां पर आपके काम आए। आपने कई बार सीजीएल का पेपर दिया होगा, आपने इस तरह का सवाल कई बार देखा होगा, जैसे मैंने लिखा है कि सीजीएल टायर 1 2017 में आया था क्वेश्चन कि sec थीटा प्लस tan थीटा, अगर आपके पास में P है तो पूछ रहा है कि sec थीटा क्या होगा। तो इन टर्म्स ऑफ जो ऑप्शंस आते हैं ना वो P के फॉर्मेट में आते हैं, इतना होगा ये होगा, तो बच्चे वहां पे दिमाग लगाते हैं कि ये कर सकते हैं वो कर लो। बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि यार P निकालना है sec निकालना है, तो वो कंफ्यूज जाते हैं कि करे तो करे क्या करें। कई बार एग्जाम आ जाता है, कई बार ऐसा जाता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा आपके पास में अगर 3 है तो कई बार पूछ लेता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो ये करते कैसे हैं, पहले बेसिक समझा देता हूं। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर p है तो वो करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिमाग लगाते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ऐसे करके। तो देखते हैं कि यार ये चीज तो मिल रही है sec स्क्वायर थीटा, ये मिल रही है tan स्क्वायर थीटा, फिर मिल रही है 2 sec थीटा डॉट tan थीटा और बराबर में पी स्क्वायर। अब कुछ बात बन नहीं रही है यार, क्या करें, है ना, कुछ बात बन नहीं रही है। फिर सोचते हैं कि यार 1 + tan² θ sec स्क्वायर थीटा लगाते हैं, वो बड़ा पेचीदा हो जाता है, वो पूरा डेरिवेशन सा निकल जाता है। फिर डेरिवेशन कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, sec थीटा को 1/cos θ लिख देते हैं, tan थीटा को sin θ/cos θ लिख देते हैं और बराबर में पी। फिर देखते हैं कि यार 1 + sin θ हो गया अपॉन में cos थीटा हो गया बराबर में पी, अब फिर sec कैसे निकाले, फिर ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो इस तरह के सवालों के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपके लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने देखा ही मैंने कहा sec थीटा tan थीटा 2 का tan निकालना है, टायर 1 टायर 2 2016, तो मैक्सिमम जगह ये सवाल यूज हुआ है। तो उसका एक बहुत छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिंदगी भर याद रहेगा आपको जो ट्रिक है वो आपके सामने ये है। हमेशा याद रखना है आपको कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर पी मतलब कुछ भी एनीथिंग व्हाटएवर, तो आपको याद रखना है कि sec थीटा माइनस tan थीटा जो होगा वो हमेशा 1/p होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी आता कैसे पूरा डेरिवेशन है तो 7 मिनट का वीडियो, मैं 7 मिनट के वीडियो में वो डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगा, आप कोई भी बुक अपनी बेसिक पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, है ना। तो 7 मिनट का वीडियो इसमें डेरिवेशन के साथ नहीं आता, कोई बेसिक क्लास होगा तो आप समझा दूंगा कि ये आया कैसे। बस अभी फिलहाल के लिए याद करना है कि sec थीटा tan थीटा अगर p है तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखो जैसे आपने इस वाले में किया, मैंने कहा आपसे, देखो बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में p, तो आप आंख बंद करके कहोगे अगर ये गिवन है तो sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा 1/p, और आपको निकालना है sec थीटा तो माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ना प्लस करो, जैसे आपने प्लस किया ये कट गया, तो 2 sec थीटा पी प्लस 1/p। आप पिछले सालों के पेपर उठा के देख लेना आपको मिल जाएगा, तो आप कहोगे sec थीटा की वैल्यू पी प्लस 1/p, इसको फर्दर सॉल्व कर दो चाहे तो आप इसको देखोगे ये मिलेगा 1/2 p² + 1/p, ये आपका आंसर। कई बार देखा होगा आपने, आप कंफ्यूज जाते होंगे करना क्या है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, आप तो ना सवाल मिले तो कहना, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताना कि सर ये ट्रिक आपको कैसी लगी। sec थीटा प्लस tan थीटा 2 है,
क्या करोगे? सेम अप्रोच है, sec थीटा tan थीटा अगर 2 है तो आपने कहा sec थीटा माइनस tan थीटा 1/2। सोचना ही नहीं है सर, आप tan थीटा चाहिए आपको माइनस कर दो, ये कट जाएगा tan थीटा माइनस माइनस tan थीटा 2 tan थीटा 2 माइनस 1/2। तो आपने कहा 2 tan थीटा, दो में से आधा माइनस किया, डेढ़ मतलब 3/2 यहां चला जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू 3/4। आ रहा है समझ में? बस, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सारे बच्चे बेसिक लगाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऑल दीज थिंग्स, फिर वन में कन्वर्ट करते हैं, और तो कुछ नहीं करना है, बस रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि sec थीटा tan थीटा p होगा, तो sec थीटा 1/-1/2। इसके बेस पे कई बार सवाल और भी आते हैं बहुत घुमा फिरा के, तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक मैं आपके लेकर आने वाला हूं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को सरल बनाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा और अनअकैडमी पे जाइए। मेरा नाम अरुण सिंह रावत है, मुझे फॉलो कर लीजिए, सही है? अनअकैडमी पर जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए और आप मेरी वहां पर कोई भी क्लासेस, कोई भी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू।